हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग पहले की तरह अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कोई अनबॉक्सिंग का वीडियो नहीं है, बस आज हम लोग एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम, जो कि हम लोग आर्डिनो से बनाई है। तो बनाने के लिए क्या क्या लगेगा, चलिए अब उसके बारे में हम लोग पहले बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आर्डिनो लगेगा, और उसके बाद हम लोग का रेड LED चाहिए, और हमें ग्रीन LED चाहिए, और इसके बाद हम लोग को रजिस्टर चाहिए। ठीक है, तीन रजिस्टर चाहिए, और जम्पर वायर मेल टू मेल होने से हो जाएगा, मेल टू फीमेल भी आप लेके कर सकते हैं। अब दोनों वायर का यूज़ करके भी बना सकते हैं। और हमें एक ब्रेडबोर्ड चाहिए, ठीक है, कनेक्शन के लिए। उसके बाद हमें ये सेंसर चाहिए, MQ2 स्मोक सेंसर है, ठीक है, और एक हमें बजर चाहिए। और उसके बाद कोड डालने के लिए हमें ये प्रिंटर केबल चाहिए। तो फिर चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं बनाना। तो ये हम लोग का ब्रेडबोर्ड है। तो कनेक्शन करने से पहले मैं ब्रेडबोर्ड के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। और यहाँ पे आपका एक पूरा एक सीधा आपका कनेक्शन होगा, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, ठीक है, पूरे नीचे तक। और वहीं अगर नीचे का बात किया जाए तो ये आपका वर्टिकली रहेगा कनेक्शन, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक एक ही चीज़ रहेगा। ऊपर में भी आपका सेम रहेगा, ऊपर वाला आपका नेगेटिव रह जाएगा, नीचे वाला पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए अभी हम लोग कनेक्शन करते हैं और इसका एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग MQ2 स्मोक सेंसर लेते हैं, और इसको लगाने के बाद हम लोग कनेक्ट करते हैं। हमने लास्ट में कनेक्ट कर दिया है, अभी हम लोग जंपर वायर से इसको कनेक्ट करेंगे। हम लोग वायर आएंगे, इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग तीन वायर लेते हैं, रेड, ग्रीन और येल्लो, ठीक है। तो सबसे पहले रेड लेते हैं, और रेड को हम लोग यहाँ पे आपका एकदम जो सबसे लास्ट में है आपका, देखिए आप देख सकते हैं VCC है, VCC में अभी हम लोग उसको लगाएंगे, ठीक है, VCC हो गया। अब उसके बाद हम लोग उसके जस्ट बगल में लगाते हैं। जो हमारा ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड होने के बाद वहीं आखिरी वाला को हम लोग एनालॉग में लगा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दो वायर लेंगे, ठीक है, मेल टू फीमेल, और यहाँ पे लगाते हैं। और हम लोग बजर के लिए ले रहे हैं, अब बजर डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको अलग से लिया है, ठीक है। तो ये दूसरा वायर भी हम लोग यहाँ पर लगा दे रहे हैं। अब बजर जो है उसको हम लोग इन दोनों में लगा देंगे। तो ये है बजर, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। जो आपका बड़ा वाला है वो आपका पॉजिटिव होगा, और जो छोटा वाला है नेगेटिव होगा। यहाँ देखिए साइड प्लस है, ये आपका पॉजिटिव हो गया बड़ा वाला जो है, और उधर जो छोटा है वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो पहला उस साइड वाला हम लोग पॉजिटिव में करते हैं, और दूसरा को हम लोग नेगेटिव में कर देते हैं। तो ये हमारा बजर का काम हो गया। अब हम लोग LED लाइट का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्रीन LED लाइट को लगाते हैं, ठीक है। यहाँ भी आपका एक जो वायर है, एक पॉजिटिव में रहेगा, एक नेगेटिव में होगा, ठीक है। जो तो LED लाइट में जो आपका बड़ा है वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और जो छोटा है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे मैंने ग्रीन LED को लगा लिया है, उसी तरह आपको रेड LED लाइट को भी लगा लेना है। तो ये हमने रेड LED लाइट को भी लगा लिया है। तो अब हम लोग लाएंगे रजिस्टर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा था, तीन रजिस्टर चाहिए, ठीक है। तो ग्राउंड से ग्राउंड हम लोग को लगा लेना है, ठीक है, रेड, ग्रीन और एक बजर में, ग्राउंड टू ग्राउंड। तो फिर चलिए तीनों को हम लोग पुट करते हैं।
तो अब हमने तीनों रजिस्टर को यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड पुट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग कनेक्शन का बारी है, बाकी जो जो मेल टू मेल हम लोग वायर है वो सबको हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है, आर्डिनो से। तो सबसे पहले एक हम लोग मेल टू मेल वायर लेते हैं, उसको हम लोग ग्राउंड में यहाँ पर पुट करते हैं और वो हमारा चला जाएगा सीधा, एक ये जो वायर है हम लोग आर्डिनो में लग जाएगा। अब हमारा दूसरा जो मेल टू मेल वायर लेंगे वो हम लोग क्या करेंगे, एलईडी में लगाएंगे, जो उसका पॉजिटिव है वहाँ पे एक पुट करेंगे, और इसी प्रकार हम लोग ग्रीन में भी लगाएंगे और बजर का जो है वहाँ भी एक हम लोग वायर लगाते हैं मेल टू मेल, ठीक है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने तीनों मेल टू मेल वायर वहाँ पर लगा दिया है। अब इनको हम लोग कनेक्शन करते हैं आर्डिनो के साथ। एक बार मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, देखिए, ठीक है, ग्राउंड टू ग्राउंड हो गया है और हम लोग का पॉजिटिव का जो सिंबल था वहाँ पे हम लोगों ने मेल टू मेल वायर भी लगा दिया है। अब इसे हम लोग आर्डिनो से कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम लोग लेंगे आर्डिनो, और यहाँ पे जो हम लोग का ऑरेंज कलर का जो मेल टू मेल वायर था जो हम लोग ग्राउंड में यहाँ पर लगाया था उसको हम लोग आर्डिनो का ग्राउंड में ही लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर है ग्राउंड, ठीक है, वहाँ पर इसको हम लोग लगा देते हैं, ये हो गया हम लोग ग्राउंड में। अब बारी हम लोग बाकी मेल टू मेल वायर का, जो रेड एलईडी का जस्ट उसके नीचे हम लोग लगा देंगे जो 12 है वहाँ पे, और उसके बाद 12 के नीचे में हम लोग 11 में यहाँ पे पुट कर देते हैं ग्रीन को, और जो बजर का है बजर का हम लोग लगा देते हैं 10 में, ठीक है। अब इधर हम लोग का तीन वायर बच गया है, अब इनको भी हम लोग कनेक्ट करते हैं आर्डिनो का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेंगे जो येल्लो वायर है उसको, ये जो येलो वायर है एनालॉग का वायर, उसको हम लोग यहाँ पे सबसे नीचे में क्या है A5 में हम लोग कनेक्ट करते हैं। उसके बाद जो ग्रीन है उसको हम लोग ग्राउंड में कनेक्ट कर देते हैं, और ग्रीन के बाद जो हम लोग का रेड है VCC उसको हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट में कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट में, ठीक है। तो ये हमारा सारा कनेक्शन हो गया है, और हमने प्रिंटर केबल को भी कनेक्ट करके रखा है। तो बस अभी हम लोग कंप्यूटर से इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते हैं और उसके बाद उसको यूज़ करेंगे, चाहे आप उसका पावर बैंक से यूज़ करें या फिर डायरेक्ट कंप्यूटर से भी यूज़ कर सकते हैं, बैटरी का भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो अभी हम लोग अपलोड हो चुका है, तो अभी हम लोग देख सकते हैं आप लोगों ने ग्रीन लाइट वहाँ पर जल चुका है, ठीक है। और उसके साथ यहाँ पर जो सेंसर है वहाँ पर लाइट जल चुका है, ठीक है। तभी हम लोग धुआं करके देखते हैं कि ये क्या वाकई में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हमने माचिस जला लिया, अभी हम लोग इसको धुआं करते हैं। तो ये देखिए वहाँ पे जल रहा है रेड, ठीक है, बंद हो गया। और यहाँ पे आप बजर का आवाज़ भी सुन सकते हैं फिर दोबारा। अब धुआँ हट गया तो ग्रीन हो गया, फिर से हम लगा था सामने तो फिर से रेड आ जाएगा और बजर भी बजने लग जाएगा। अब बात करते हैं इसका बजट के बारे में। तो ये जो सारा चीज़ है इसको मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था, ठीक है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हैं,